हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो हम लोग नेम रिएक्शन की इस सीरीज़ में आज कवर करेंगे विक्टर मेयर टेस्ट को, या विक्टर मेयर रिएक्शन बोल लीजिए। एक्चुअली ये रिएक्शन अल्कोहल के चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, क्योंकि इस रिएक्शन के थ्रू ही हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में भेद कर पाते हैं। बड़ा रिएक्शन है, बहुत सारे स्टूडेंट इस रिएक्शन को लेकर ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ना मैं इसको याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये रिएक्शन का मेन काम क्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन में डिफरेंस करना। ठीक है, मान लीजिए आपके पास तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूब है, तीनों में अलग अलग अल्कोहल दे दिया गया और आपको पहचानने बोला गया कि बताओ कौन प्राइमरी है, प्राथमिक अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शरी है, आप बताइए। तो करना कुछ नहीं है, आपको चार स्टेप फॉलो करने हैं, मतलब चार केमिकल एक के बाद एक डालने हैं, पर हाँ सीक्वेंस बदलना मत। और वो केमिकल कौन कौन से हैं, तो स्टेप वन में आप लोग डालते हैं फास्फोरस विथ आयोडीन। और ये जो फास्फोरस विथ आयोडीन, प्यारे बच्चों, जब आप डालते हैं, याद रखना ये किसका रोल प्ले करेगा, तो ये रोल प्ले करेगा आपको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का। किसका रोल प्ले करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और उसके तुरंत बाद, मतलब उसमें एक अपचायक डाल लिया मैं, अब अपचायक डालने के तुरंत बाद हम लोग उसमें AgNO2 डालेंगे। AgNO2 किसका रोल प्ले करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारक का रोल प्ले करेगा। फिर आएगा नाइट्रस एसिड, ये एक एसिड हो गया, और उसके बाद क्या आएगा, एक्वस NaOH, मतलब एक बेस आ गया। तो आप लोग को याद रखना, पहले रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकारक, फिर एक एसिड और फिर एक बेस। एक बार दिमाग में सब लोग याद कर लो, P+I2 रिड्यूसिंग एजेंट, फिर क्या आया था हमारा AgNO2 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर कौन आ गया था हमारा नाइट्रस एसिड, एसिड आया, फिर उसके बाद एसिड आया तो उसको मेंटेन करने के लिए बेस आएगा, क्षार आएगा, एक्वस NaOH। क्लियर है? अब चलो, अब रिएक्शन पे आ जाओ। तो ये है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। टीचर जो दिया है उसको तो पता है ना मैं कौन कौन से टेस्ट ट्यूब में क्या क्या दिया हूँ, ABC तीन नाम के टेस्ट ट्यूब है। प्राइमरी अल्कोहल जैसे ही फास्फोरस विथ I2 सॉल्यूशन, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अटैक करता है, तो प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट से जब भी रिएक्शन होगा तब आपको पता है रिडक्शन होगा, मतलब अपचयन होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो इस OH को हटा के उसकी जब इस आयोडीन को ला के जोड़ दो ना, तो क्या मिलेगा, RCH2I। OH हटेगा उसकी जगह पे आई ला के जोड़ते जाना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से ये जो OH है उसकी जगह पे कौन आके जुड़ जाएगा, आई। और यहाँ भी आप लोग पाएंगे यहाँ पर तीन आ रहा है, बिकॉज ये तृतीयक हमारा एल्कोहल है, टर्शरी एल्कोहल है, और इसकी जगह पे कौन जुड़ गया, आई। नेक्स्ट प्रोसेस में सिल्वर नाइट्रेट का अटैक करा रहे हो, तो यहाँ से ये सिल्वर और ये आई क्या बन के निकल गया, AgI बाहर गए, बचा कौन है, ये NO2, ये NO2 जाके यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बना लिया प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड, ये बन गया मेरा सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड। बस सिंपल सी बात है, आई को हटा दो और उसकी जगह पे NO2 को लगा दो, क्योंकि आई इस AG के साथ AgI बन के बाहर चले जा रहा है। सिमिलरली यहाँ भी वही काम करना है, इसीलिए मैं बोला वो तीनों स्टेप आपको अगर याद हो गए ना तो कहानी में तो मज़ा आ जाता है, सीधे सीधे सॉल्व होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से समझो, ये है मेरा नाइट्रस एसिड HONO, या HNO2 भी बोल सकते थे, नाइट्रस एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड में से जब एक ऑक्सीजन निकाल देते हैं ना तो एक का बन जाता है अस, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक ऑक्सीजन निकाल दिया H2SO3 बन गया, वो सल्फ्यूरस एसिड हो गया। फास्फोरिक एसिड H3PO4, एक ऑक्सीजन निकालो H3PO3 होगा, ये फास्फोरस एसिड होगा। ऐसे नाइट्रिक एसिड HNO3 है, एक ऑक्सीजन निकाल दिया HNO2 आया, उसको मैं नाम पुकारूंगा नाइट्रस एसिड। याद रहेगा, रटना नहीं है, 6 एसिड का नाम आपको ऐसे ही याद हो गया। करो क्या, तो यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर H2 है, ये दोनों आपस में क्या बना के निकल जाएंगे, H2O। माइनस कर रहा हूँ मतलब H2O निकलेगा, जैसे ही H2O निकलेगा आप समझ जाइए कि इस कार्बन से तो NO2 यहाँ से जुड़ा ही है, ये कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ ये पूरा ग्रुप NOH जुड़ेगा। नाइट्रोलिक एसिड है, ये कौन सा एसिड है, नाइट्रोलिक एसिड। यहाँ पर आओगे तो अब देखो इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, H2O निकालना है, H2O के लिए एक H तो एक साइड से OH, तो इस बार ना इस नाइट्रस एसिड को उल्टा पलट के लिखा हूँ, ध्यान दो, पहले O डबल बॉन्ड O इधर है, अब वो उधर है, तो ये यहाँ का H और यहाँ का OH क्या बन के निकल गया, H2O। मतलब अभी भी वो कार्बन
ऐसा ही है बिल्कुल अकेला। उसके साथ ये सिंगल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ रहा है? एन डबल बॉन्ड ओ नाइट्रॉल, ठीक है। और एच ओ एन ओ के साथ जब रिएक्शन करोगे तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर एक हाइड्रोजन रहता तो इसके ओ एच के साथ वो एच टू निकाले रहता, पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब यहाँ पर बच्चों कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो टर्शरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल दो स्टेप तक तो रिएक्शन देता है, तीसरे स्टेप में रिएक्शन बंद कर देता है। अब लास्ट में ये जो हमारा एसिड आया है, इसका जब मैं एक्वस एनओएच से रिएक्शन करूंगा, तब आप सब लोग अब ये याद रखना कि यहाँ पर फाइनली हम लोग को क्या मिलता है, तो यहाँ ब्लड रेड कलर मिलता है, ब्लड रेड कलर। तो ब्लड रेड कलर आया ये चारों केमिकल डालने के बाद, तो आप समझ जाना कि वो क्या था, प्राइमरी एल्कोहल था। सिंपली अगर ब्लू कलर आया चारों केमिकल डालने के बाद, तो समझ जाना कि वो एक सेकेंडरी एल्कोहल था। और अगर कंपाउंड कलरलेस आया, क्योंकि अब तो रिएक्शन होना ही बंद हो गया है, तो अगर कंपाउंड कलरलेस आया तो वो क्या था, अपने आप में टर्शियरी एल्कोहल था। तो यही था आप लोग का विक्टर मेयर टेस्ट, स्क्रीनशॉट ले लिए रहो, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चार स्टेप में प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और फाइनली अगर ब्लड रेड कलर आ रहा है तो प्राइमरी एल्कोहल सिग्निफिकेंट है, टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर आ जा रहा है तो सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल दे रहा है, और कलरलेस में तृतीय अल्कोहल। तो ये आपको आराम से क्लियर हो गया और पूरा याद हो गया होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट नेम रिएक्शन में। हैव अ वेरी ग्रेट डे।